हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो मेरे किसी दोस्त ने कमेंट करा था कि मैं पीयू पे जो है वीडियो बना के दिखाऊं। आज हम ये जो आप पीसेस देख रहे हैं इन सब पर हम पीयू मार के आपको दिखाएंगे कि पीयू क्लियर के बाद जो क्वालिटी है वो कैसी आती है। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने जो है पीयू क्लियर में थिनर मिलाकर उसको पतला कर लिया है और ये बॉटल में मैंने इसको ले लिया था। और ये देखिए, अब मुझे जितना यूज़ करना है उतना मैं इस कटोरे में ले लूँगा पीयू क्लियर को। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसके बाद हम लोग इसमें जो पीयू क्लियर के साथ एक हार्डनर आता है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और ये हार्डनर जो है इसका हम इसमें डालेंगे ताकि जब हम पीयू क्लियर जो है पीस पर मारें तो वो उस पर एकदम चिपक जाए और सूख जाए। ये देखिए, इतना हार्डनर हमें इसमें डाल दिया है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने पीयू को और उसके हार्डनर को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको अपनी गन में डालेंगे, स्प्रे गन में। ये देखिए, ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये 100 ml की गन है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितने ml की गन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हम जो है पीयू को मारेंगे। ये देखिए, ये जो पीस है ये अभी पीयू से पहले देखिए इस पर शाइनिंग नहीं है। और जब हम इस पर पीयू मारेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि शाइनिंग के साथ मतलब पीयू के पहले और पीयू के बाद हमारा पीस कैसा दिखता है। ये देखिए, देख रहे होंगे आप कि इस पर जो है अलग सी शाइनिंग आ गई है। और ये जो पीस है ये नॉर्मल है जो राइट साइड में रखा हुआ है, और ये जो पीस है लेफ्ट साइड वाला उस पर हमने पीयू मारा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और अगर आप लोग मेरे वीडियोस पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।